शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रात गए होने वाली बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनाव 75% है। महकमा मौसमियात की आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ब्रायलर गोश्त की कीमत को बैक गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त 17 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 563 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 3 रुपये फी दर्जन महंगे, नई कीमत 240 रुपये मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 7,080 रुपये में फरोख्त हुई। पंजाब असेंबली के ऐवान में भी गंदम खरीदारी न होने की गूंज। ओपोजिशन अराकीन का हुकूमती दावे के बरक्स सूरत हाल पर एहतजाज। कायद हिस्पे इख्तलाफ अहमद खान की किसानों से इजहार यकजहती। ऐवान में ओपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमती पॉलिसीज को किसान दुश्मन करार दे दिया। गंदम खरीदारी न होने पर किसानों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। पुलिस और काश्तकार आमने सामने, मुजाहरीन को मुश्तैल करने के लिए किसानों की गिरफ्तारी। मरकजी सदर किसान इतिहाद जीपीओ चौक से गिरफ्तार हुए। लाहौर पुलिस ने 30 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए काश्तकारों की फहरिस्त जारी। किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। सूबाई वजीर इत्तला'आत असमा बुखारी कहती हैं, एक मखसूस जमात किसानों के मामले पर प्रोपोगंडा कर रही है। पंजाब हुकूमत किसानों के हर किस्म के मफाद का तहफ्फुज़ कर रही है। खरीदारी न करने पर दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदारी 22 अप्रैल से शुरू करना थी। गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी न होने से किसान अपनी फसल गंदम माफिया को सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ऐवान में किसी को भी कानून की खिलाफवर्जी की इजाज़त नहीं दे सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मेहमानों की गैलरी से नारेबाजी का नोटिस ले लिया। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने कहा, ऐवान का तकद्दस हर सूरत यकीनी बनाया जाए। एजेंडे पर कार्रवाई मुकम्मल होते ही इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। मियाँ नवाज शरीफ आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म खसूसी परवाज के जरिए ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज से डेनमार्क के सफीर की मुलाकात हुई है। पंजाब में मरीजों की इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। और सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में नाकाबिल यकीन कारोबारी मौके और सनअती तरक्की का पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज अहम ओहदों पर अफसरों की तैनातियाँ मेरिट पर यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़, हर ओहदे के लिए कम अज़ कम 3 उम्मीदवारों के पैनल के इंटरव्यू किया। वज़ीर आला ने कहा कि फेवरेटिज्म और सिफारशी कल्चर की हौसला शिकनी के लिए अहम ओहदों पर तैनाती के अमल की मॉनिटरिंग खुद करूँगी। रिश्वत सताने और शहरियों की तजलील पर वज़ीर दाखिला बरहम। मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर फयाजुल हसन और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम ओहदे से फारिग। खालिद अब्बास असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात। रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का इजाफी चार्ज भी मिल गया। मोहसिन नकवी का दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। सुनी तहाद काउंसिल का पीटीआई को असम्बलियों से इस्तीफे का मशवरा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। पीटीआई सरबराह के लिए मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। पीटीआई की आदत को सड़कों पर आने की जरूरत है।
इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम क्यों बनाया गया, लाहौरन अहम हकायक सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बनाने का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ की हिदायत पर जारी हुआ। इसहाक डार बतौर नायब वजीर आजम कायद नून लीग के विजन के मुताबिक काम करेंगे। आइंदा दो हफ्ते में मजीद अहम फैसले भी मुतवक्के। चिल्ड्रन हस्पताल में नया ICU बनेगा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। डे केयर सेंटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियत का मुआयना। ICU के फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। कहा, एक एक पैसा कौम की अमानत है, सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। कम उम्र की शादी के प्राइवेट बिल पर अहम पेशरफ। चेयरपर्सन सारा अहमद का पेशकर्दा प्राइवेट बिल पंजाब हुकूमत ने ले लिया। खसूसी कमेटी तश्कील। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी पर 3 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। सूबाई वजीर सनत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन की ऑस्ट्रिया के सफीर से मुलाकात। दो तरफा तजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफे हुसैन ने सनती मराकज में सरमायाकारी के मौके और हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। तलबा के लिए बाइक्स की फराहमी के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी। सूबाई वज़ीरे ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 1 मई मुकर्रर कर दी। कहा कि स्कीम की कामयाबी और स्टूडेंट्स के इसरार पर तारीख में तौसी की गई। उम्र भर की माजूदी से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। लाहौर समेत पंजाब के 10 अज़ला में इंसदादी पोलियो मुहिम। लाहौर में 13,000 वर्कर्स पोलियो के कतरे पिलाने पर मामूर। वजारत सेहत का कहना है कि 5 रोज़ा पोलियो मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। लाहौर समेत 10 अज़ला में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। लाहौर पुलिस पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक। 2,000 से ज्यादा अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। DIG ऑपरेशंस की अफसरान को टीमों की सिक्योरिटी खुद चेक करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स की मुजरमाना गफलत। डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स की मुंबई नाम मिली भगत से कमर्शियल अमारात पर रिहायशी प्लाटों के टैक्स वसूल किए जाने का इंकशाफ। कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान। मेंबर टैक्सेस पंजाब जमान बटू ने सख्त हिदायत भी जारी कर दी। LWMC के भारी तनख्वाहें लेने वाले अफसरान की अनोखी कारस्तानी। जनरल मैनेजर इल्ताफ की प्राइवेट ठेकेदार पर नवाजिशें। सोसाइटी का वेस्ट लखुडेर पहुंचाने के बजाय आरजी डंपिंग साइट पर फेंकने की इजाज़त दे दी। 3 लाख में प्राइवेट ठेकेदार से माहिदा भी कर लिया। कंपनी मोहलनवान से लखुडेर कूड़ा पहुँचाने के लिए माहाना 6 लाख रुपये से ज़ायद रकम अदा करेगी। फजाई आलूदगी के मुकम्मल खात्मे कमीशन। आलूदगी का बायस बनने वाली ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। खिलाफ वर्जी पर मुतादिद भट्टे सील कर दिए। 2 करोड़ 13 लाख रुपए का जुर्माना भी आए। लाहौर समेत सुबह भर में टीमों की भट्टों की इंस्पेक्शन। बिजली की पैदावार और तरसील के लिए पंजाब ग्रिड कंपनी बनाने का फैसला। महकमा तवानाई पंजाब ने तजावीज चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी। पंजाब ग्रिड कंपनी के लिए नेप्रा से लाइसेंस हासिल किया। कंपनी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। सलामतपुरा में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमों को 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद। तार कब्जा में ले लिए गए। मुकदमात दर्ज। तर्जमान लेस्को के मुताबिक मुलजिम लेस्को की सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। परेड का मुआयना किया। मोटरवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG मोटरवे सलेमान चौधरी भी शरीक।
न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वफद का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया गया। ऑपरेशन कमांडर शफीक अहमद ने सेफ सिटी की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और न्यूयॉर्क पुलिस के माबैन यादगारी शील्ड्स का तबादला भी हुआ। वफद में पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी के 24 मेंबरान शामिल थे। तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती का फैसला न हो सका। लाहौर समेत 8 बोर्ड्स में कमिश्नर्स को चेयरमैन बोर्ड का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जुलाई 2022 में 7 बोर्ड्स के चेयरमैन ओहदे से सरखरूश हुए, आज तक इंटरव्यूज न हो सके। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए अहतमाम आला तालीम के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस की अहमियत पर वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हुई। 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की शिरकत। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुरीन ने कहा, इंश्योरेंस क्वालिटी बेहतर होने से तलबा की सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस, सूबाई वजीर सेहत और चीन के काउंसिल जनरल लाहौर की खसूसी शिरकत। खादिर सलमान रफीक ने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अहम किरदार अदा करना होगा। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल फरीद समेत डॉक्टर्स कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की।